ओम श्री गुरुवे नमः। एक और विज्ञान, जादू टोने की लचर बातों से दूर, शुद्ध रूप से वैज्ञानिक पक्षों का स्वरूप है। इस कार्यक्रम में तंत्र द्वारा देह व परिवेश की शुद्धिकरण की मिलीजुली क्रिया का ज्ञान सब तक पहुंचाया जाएगा। यह कार्यक्रम तंत्र में अनिष्ट करने के पक्षों की भ्रांतियों को तोड़ते हुए इसके लाभकारी व शुद्ध भारतीय वैज्ञानिक पक्षों को उजागर करेगा। नमस्कार, जय माता दी। अभी हम बात करेंगे गुरु के बारे, बृहस्पति के बारे, जुपिटर के बारे। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति विवेक के भी गुरु हैं। बुद्धि, हिम्मत, मन, शक्ति, इनसे कैसे काम लेना, बृहस्पति देव ही ये सब कार्य करते हैं। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं और कर्क का स्वामी चंद्र है, तो इनके पास चंद्रमा के गुण भी आ जाते हैं, शांत, सौभ्य, एक्टिव। पर पुष्य नक्षत्र में उचके होते हैं, कर्क राशि में उचके होते हैं, तो पुष्य के जो मालिक हैं वो शनि हैं, तो बृहस्पति में थोड़े से शनि के गुण भी आ जाते हैं। तभी कभी कभी बृहस्पति वाले व्यक्ति आलसी भी होते हैं, विद्वान होते हुए भी प्रैक्टिकल नहीं हो पाते। आगे चल करके पुष्य नक्षत्र के जो देवता हैं, पुष्य नक्षत्र के जो मालिक हैं, वो पूर्ण रूप से ही इनको देवताओं के गुण भी दे देते हैं। बृहस्पति वाले व्यक्ति विद्वान, अध्ययन के क्षेत्र में कार्य करने वाले, अच्छी रिसर्च करने वाले, अच्छा ज्ञान देने वाले, अध्ययन करने वाले, जैसे कहा अध्ययन कराने वाले, समाज सुधारक और फिलॉसफर टाइप होते हैं, दार्शनिक होते हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति बहुत ईगोइस्टिक भी होते हैं। बृहस्पति लालची नहीं होगा, बृहस्पति अपने असूलों के कारण कभी गिरेगा नहीं, नियमों को, असूलों को बनाए रखेगा। बृहस्पति व्यक्ति से रिसर्च करवाता है, खोज करवाता है,
बृहस्पति वाले गलत करने से पहले हजारों बार सोचेंगे कि हम गलती ना कर बैठें। जो व्यक्ति धन लग्न में पैदा होते हैं, धन राशि होती है, मीन लग्न में पैदा होते हैं, मीन राशि होती है, इसके अंतर्गत आते हैं। बृहस्पति अपने वैचारिक मतभेदता के कारण, वैचारिक मतभिन्नता जहाँ होती है उसके कारण कभी कभी बहुत कष्टों में आ जाते हैं। दोस्तों, सूर्य जो कार्य एक महीने में करता है अपना सफ़र, चंद्र सवा दो दिन में करता है, बृहस्पति वो कार्य लगभग 13 महीने में पूरा करते हैं। बृहस्पति में ओज होता है, तेज होता है, पर जब नकारात्मक शक्ति बृहस्पति की होती है एक तरह का खालीपन ले आता है, छोटी छोटी रुकावटें आती हैं। कन्याओं की कुंडली में, फीमेल्स की कुंडली में बृहस्पति उनका पति होता है। बृहस्पति अच्छा होगा तो शादी जल्दी होएगी, अच्छी होएगी, बढ़िया पति मिलेगा, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। बृहस्पति खराब है तो शादी में परेशानी आएगी, पति के परिवार में, ससुराल परिवार में रुकावटें, कष्ट आएंगे देखने को। बृहस्पति ससुराल परिवार में मान सम्मान दिलाते हैं, अच्छे हों, कमजोर होंगे तो अपमान सहन करना पड़ेगा। बृहस्पति अच्छे हैं तो मान सम्मान देंगे, थोड़े कमजोर हो गए तो कई चीजों का अभाव देखने को मिलेगा। जो दोस्तों दुनियादारी के व्यक्ति हैं, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के स्वामी हैं, बृहस्पति मोक्ष के भी स्वामी हैं, और ऐसा एकाकीपन ले आते हैं, ऐसा खालीपन ले आते हैं कि बिल्कुल शून्य रह जाता है। तो व्यक्ति बुद्धि से, मन से जब शून्य हो जाता है तो प्रभु के चरणों में चला जाता है, और जब वो गृहस्थी में कमी आती है तो वो सहन नहीं कर पाता, अभावों से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि बृहस्पति को, बृहस्पति वाले जो लोग हैं उनको आध्यात्मिक जरूर बनना चाहिए। नमस्कार, कार्यक्रम एक और विज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने किया पाप और उसके बाद संताप, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि पाप किया ही क्यों जाए, तो फिर मन में संताप का प्रश्न कहाँ रह जाता है? यानी पाप को यदि कम किया जाए या ना ही किया जाए, क्या ऐसा संभव हो पाता है? जी नहीं, पाप और पुण्य इसका लेखा जोखा हम और आप तो रख नहीं सकते, लेकिन इसकी तीव्रता को हम जरूर कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, आइए इसी विषय पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। हमेशा की तरह स्टूडियो में हमारे साथ है परम पूज्य श्री चामुंडा स्वामी जी महाराज। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अपर्णा जी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। बड़ी मुश्किल हो जाती है, कभी कभी जानबूझ करके गलती हो जाती है, कभी अनजाने में होती है, तो सज़ा दोनों गलतियों की ही मिलती है, पर जानबूझ के की हुई गलती की ज़्यादा सज़ा मिलती है, और कभी कभी व्यक्ति के स्टेटस के हिसाब से भी उसको ज़्यादा सज़ा मिलती है। वरना कह रही हैं पाप किया ही क्यों जाए, जब बुद्धि के ऊपर नेगेटिव भारी होता है, नकारात्मक शक्तियाँ आपको घेर लेती हैं, तब आप सोच नहीं पाते कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, तब आप सोचते हैं कि मैं ही मैं हूँ ना, बस उस मैं की स्थिति से बचा जाए। बस मैं तो ऐसा कहता हूँ, मैं को छोड़ मामा बोल, बस ऐसा कर लो तो बच जाओगे सब कष्टों से, सब विपत्तियों से बच जाओगे। स्वामी जी, जैसे कि पाप की अगर हम बात करते हैं, क्या ये कहीं
पूर्व जन्मों का हिसाब होता है जो कि हमारे साथ इस जन्म में और आने वाले कई जन्मों तक हमारे साथ चलता है, या फिर एक जन्म व्यक्ति लेता है उसमें जितने पाप करता है उसके फल भोगता है और खत्म हो जाता है वहीं पर। पता नहीं कितने कितने जन्मों का सिलसिला चलता रहता है, कभी बैलेंस आपका बिगड़ जाता है, कभी पुण्य का ओवरड्राफ्ट हो जाता है तो कभी पाप का ओवरड्राफ्ट हो जाता है। तो जन्म कुंडली भी आप ऐसे ही सोचें कि पाप और पुण्य का ही कोई खेल है और कुछ पता नहीं चलता है, बहुत कठिन है। आप देखिए कई कुछ लोगों को मिले होंगी आप, तो वो लोग पूरी जिंदगी उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया, और जब बहुत सच्चे रहे, अच्छे रहे, जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के वक्त उनको बहुत कष्ट हुआ, 5-5 दिन कष्ट हुआ, 4 दिन कष्ट हुआ, कहीं कहीं कितने संत महात्माओं को भी लास्ट टाइम में बहुत कष्ट हुआ। तो जब इस चीज का विश्लेषण किया गया तो उन्होंने कितने लोगों का कष्ट अपने ऊपर ले लिया संत महात्माओं ने, कहीं किसी अच्छे व्यक्ति को कष्ट हुआ तो उसको दोबारा जन्म ना लेना पड़े, इसी जन्म में उसके कष्ट कट गए। कभी कभी कोई व्यक्ति कष्ट में होते हुए बड़े आनंद में रहे। आपकी पाप पुण्य की परख तब होती है कि आप बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, और आप कुछ छोटा सा गलत कार्य करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं पर आप नहीं बढ़ते, ये परीक्षा होती है आपकी। आपके पास कुछ नहीं है फिर कुछ दान करें तो वो बात बन जाती है, अगर बहुत कुछ है आपके पास फिर आप करते हैं तो इतनी बड़ी बात नहीं है। कि मन से आप सोचें कि आप कितने परसेंट कर रहे हैं, कैसी स्थिति में कर रहे हैं। और जैसे एक छोटी सी मुझे कहानी याद आती है, हम किसी के भाग्य को बांध नहीं सकते। आप देखें, हम कहते हैं कि हमने इसकी रक्षा की पर वो रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे एक सपेरा था जो सांप पकड़ने वाले लोग होते हैं, तो उसने सांप को पकड़ा। सांप को पकड़ने के पश्चात सांप की जो टोकरी होती है उसमें डाल दिया और उसको बंद कर दिया। बोले मैं ये बहुत खतरनाक सांप है, मैं इसको 2 दिन बाद लेके जाऊंगा। लगभग 18-20 साल की बात होगी, तो सबने कहा कि अभी सांप किसी को कुछ नहीं कहेगा, सब खतरे से डर गए। उसने बोला अभी ले जा, नहीं बोले जे खतरनाक है, आज नहीं लेके जाऊंगा, मैं कल लेके जाता हूं। सुबह वो दूसरे दिन लेने आया तो जो उसने वो रखी थी टोकरी उसमें सांप नहीं था, तो सब सोचने लगे कि सांप में शक्ति होती है, सांप गायब हो गया होगा, ऐसा सोचते हैं लोग, कहां चला गया, बहुत अटकलें लगाई जाने लगी। फिर देखा तो सांप में अंदर देखा तो खून था, लहू था, फिर देखा 2 चूहों का पता चला कि 2 चूहे मरे हुए हैं और आसपास ब्लड है, तो फिर अंदाजा लगाया कि एक छोटा सा शेर देखा उस टोकरी पे, तो उस रूम में चूहे थे और चूहों की आदत होती कुतरने की, उन्होंने सोचा कि हम इसको खाने को मिल गया, कुतरने लगे। जैसे कुतरते कुतरते अंदर गए तो सांप को खाना मिल गया और सांप उस शेद से बाहर निकल गया। और मैं उस घटना को आज भी भूल नहीं पाता हूँ, बहुत सालों की बात है जी, आज भी भूल नहीं पाता हूँ कि स्पेरे ने सांप को कैद किया पर उसको आजाद होना था, और चूहे ने अपना भोजन ढूंढा, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इसलिए कुछ पूर्व जन्म के पाप पुण्य ऐसी स्थिति के हैं दोस्तों, मेरे जैसे आम आदमी के लिए उनका विश्लेषण करना बड़ा कठिन है कि ये क्यों हुआ। जब उस क्यों का जवाब नहीं मिलता तो कभी कभी हम कह देते हैं कि ये पूर्व जन्म के पाप होंगे, पूर्व जन्म के पुण्य होंगे। आप देखें कभी कभी आपका कोई प्रिय बड़े बड़े एक्सीडेंट से बच जाता है,
बीमार बच जाता है तो हम कहते हैं कि जे हमारे पूर्व जन्म के कोई पुण्य उदय हुए इसीलिए जे ठीक हो गया। कभी बड़ा कष्ट आता है, लगता है कि पूर्व जन्म के बड़े पाप होंगे, पर ये चीज परना जी सूक्ष्म लोक से जो आध्यात्मिकता मार्ग के लोग हैं, अध्यात्म मार्ग के लोग हैं, वही सोच पाते, स्थूल बुद्धि नहीं पहुंच पाती वहां तक। मान लीजिए जिसने जो सोच लिया परना, आप सोचो कि वो अध्यात्मिक मार्ग में स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ने लगा, उसके ऊपर ऊपर वाले की कृपा होने लगी। कभी कभी हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में बैठने के बाद परना कभी कभी बेटा लगता आपके साथ भी होता होगा, आप भक्ति वाली बच्ची हैं, कि हमें वो बात याद आती है जो भूली हुई होती है। कभी फिर और बैठते हैं तो कहीं आपने अपने बच्चे को भी डांटा हो, कहीं अपने बड़ों के साथ मिसबिहेव किया हो, कहीं अपने अपने साथी के साथ कुछ गलत मलत कहा हो, अपने पति के साथ कहा हो, अपने दोस्त के साथ कहा हो, वो बार बार याद आता है। कभी और बढ़ते हैं तो कभी कभी हम फिफ्थ क्लास में पढ़ते थे तब कोई गलती हुई थी वो भी याद आती है। याद आना आप समझ लीजिए दोस्तों कि आपने जो गलतियां की थी और आप ध्यान के मार्ग में आगे जा रहे हैं तो भगवान आपको क्षमा कर रहे हैं, वो जो आपका पाप का बैलेंस है वो कम हो रहा है, वो पाप आपके कट रहे हैं। अर्थात जो बातें भूली हुई होती हैं और जो गलतियां हमने की हुई होती है ध्यान में जब वो हमें याद आती है इसका मतलब परमात्मा हमें वो याद दिला माफ कर रहा है और हमें रास्ता बता रहा है आगे, बच्चे ऐसी गलती मत करना। तो स्वामी जी गलती व्यक्ति करता ही है, एक सार्वभौमिक सच है कि टू एर इज ह्यूमन, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कि सार्वभौमिक होती हैं, सार्वकालिक होती हैं, मतलब किसी भी समय उसे माफ नहीं किया जा सकता। कुछ गलतियां जिसे माफ किया जा सकता है, चलो परिस्थिति ऐसी थी, तो वो सार्वभौमिक गलतियां जो होती हैं उससे किस तरह से बचा जाए और उसके लिए कैसी सजा होती है? सजा उनके लिए ईश्वर ने निश्चित करके रखी है। जहां इस दुनिया में गलती करेंगे तो कानून ने अपना नियम बना के रखे हैं, वो गलत सजा देगा। कभी कभी कानून की आंखों में आप धूल चौंक सकते हैं पर ऊपर वाले की आंखों में धूल नहीं चौंक सकते, आपको जरूर सजा मिलती है, ये निश्चित बात है। दोस्तों मैं अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को मिला हूँ और कभी कभी लगता है कि किसी चीज़ का कोई उपाय नहीं सूझता। व्यक्ति कहता है मेरे ग्रह भी अच्छे हैं, उसके होना चाहिए अच्छा डाउन हो रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रही, अच्छे अच्छे डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, सभी तरह के मंत्र जाप करवाए जा रहे हैं, तंत्र मंत्र का असर नहीं है, कहीं कोई वास्तु दोष का असर नहीं है, वो मेडिकली अच्छी तरह डायग्नोज नहीं हो पा रहा है, तो तब लगता है कि ये पूर्व जन्म के पापों का दोष है। पर पूर्व जन्म के पापों को ढूंढना और उनका उपाय करना बहुत किसी बड़े महापुरुष का कार्य है। आप सोचें कि 5 मिनट में ज्योतिष में कुंडली बनाई और कह दिया कि जी आपके पूर्व जन्म के दोष हैं, तो वो इंसाफ नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो आपको बता रहा है आप उसको पूछें कि उसने पूर्व जन्म में क्या पाप किए थे, पुण्य किए थे, वो अपने भी नहीं बता पाएगा। ये बहुत थोड़ी कठिन सख्त बात लगती है पर ये सच बात है। अगर आपको सच में दोस्तों कहीं कोई कठिनाइयाँ आ रही जिंदगी में और सभी तरह के उपाय आप कर रहे हैं तो भी बात नहीं बन पा रही, सभी प्रयास कर रहे हैं तो भी बात नहीं बन पा रही, चाहे वो संतान की बात है आपकी, चाहे वो बिजनेस की बात है, काम की बात है, घर की बात है, ऐसे ऐसे परना जी केसेज आए कि 5-5 शादियां हो गई कोई शादी सफल नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, 5 भाई बहन है, 5 भाई बहन की किसी की 3 किसी की 4 शादियाँ, एक भाई बहन भी जो है उसकी शादी का जीवन अच्छा नहीं है। सभी तो गलत नहीं होंगे, सभी लड़कियाँ गलत नहीं होंगी, तो गहराई से देखा कि नहीं ये तो पूर्व जन्म की बहुत बड़ा कोई अभिशाप है इनको मिला हुआ, उसके लिए 2-2 साल लगे हमें उसका समाधान करने में। तो आपको
पता कैसे चले? तो हम वैसे बात दोस्तों कर रहे थे पाप और पुण्य की, पर कहीं कहीं हम बात सुनते हैं, सुन के उठ जाते हैं, हम कहते हैं हमें क्या इससे लेना देना, पर जब दोस्तों फंसते हैं तभी फिर लेना देना होता है। तो कहीं पे आप भी कहीं ऐसा तो नहीं सोचते कि आपके साथ भी कोई ऐसा ही पाप की बात हुई है? पुण्य किए हैं तो कोई बात नहीं, पता लगाने की बात नहीं, उसके फल मिल रहे हैं आपको, और वो फल और अच्छे हों, फल और मजबूत हों, बढ़िया हों, अनंत गुना हों, उसके लिए और अच्छे कार्य करते जाइए। आपने देखा कि आपने 50 साल से आपके पिताजी ने कुछ गलत नहीं किया, माताजी ने गलत नहीं किया, आपके परिवार में किसी ने गलत नहीं किया, फिर भी आप कष्टों से मुक्त नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब जरूर कहीं कोई ऐसा कारण है। तो पाप पुण्य का लेखा जोखा यही है, और पूर्व जन्म में किए गए कार्यों का परिणाम हमें इस जन्म में भुगतना पड़ सकता है, लेकिन जरूरत है सही मार्गदर्शन की, सही रास्ते की, जिसके बारे में आज स्वामी जी जो आपने विस्तार से हमें बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया परना जी। दोस्तों सच में आज के युग में आपको सही गाइडेंस की जरूरत है। आप बहुत परेशान हैं, और परेशानी में व्यक्ति कभी कभी गलत रास्तों पे चला जाता है, और कभी कभी गलत व्यक्ति गलत रास्ता सुझा देते हैं, तब भी वो गलत रास्ते पे चला जाता है। तो आप सही व्यक्ति के पास पहुँचें, आपको सही जानकारी मिले, आपको अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो। ये एक छोटा सा प्रयास है एक और विज्ञान का। इसी के साथ आपसे और परना जी से इजाजत लेता हूँ।